भाई अभी आज की वीडियो है वॉलीबॉल शूज के ऊपर, और जो शूज मैं यूज कर रहा हूँ उनके ऊपर। मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी तो ज्यादातर लोगों ने शूज कलेक्शन पे ही किया था कि भाई शूज कलेक्शन दिखाओ आप अपना। तो हम अभी दिखाते हैं अपना शूज कलेक्शन, कब और कहाँ से मैंने परचेज करे हैं, और सभी सबसे महंगा शूज कौन सा है, सबसे सस्ता कौन सा है, तो वो अभी आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास S6 का ये रनिंग शूज, ये बस मैं मॉर्निंग वर्कआउट में यूज करता हूँ ज्यादातर। तो इसका क्वेश्चन मतलब अच्छा है, इसका क्वेश्चन ज्यादा मतलब कई लोग होते हैं ना, जैसे कि थोड़ा क्वेश्चन कम होता है तो सिन पेन नी पेन का इश्यू ज्यादा होता है रोड पे रनिंग करते ज्यादातर वो लोग, उन लोगों को ज्यादा पेन होता है। तो मेरे हिसाब से शूज उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि इसका क्वेश्चन काफी अच्छा है, पहले ही शूज है और ये शूज फ्री है, ये फ्री मिला हुआ है ये शूज तो इसलिए ये सबसे सस्ता है अपना शूज। उसके बाद है ये नाइकी का शूज, ये मैंने मिंत्रा से लिया था। इस शूज की प्राइस थी कुछ 8,000, तो मेरे को ये लगभग 4,000 या 3,800 में इतने में मिल गया था। इस शूज की ग्रिप बहुत अच्छी है, मतलब स्पीड वर्कआउट के लिए ये शूज एकदम परफेक्ट है, लाइट वेट और कम रुपए में बहुत अच्छे शूज है। बाकी मैं इन सभी शूज का नाम मेंशन कर दूंगा वीडियो में। और उसके बाद है तीसरे नंबर पे ये अंडर आर्मर का चार्ज शूज, ये भी मैंने मिंत्रा से लिया था, अभी मिंत्रा पे सेल चल रही थी तब। ये भी कुछ 8,000 कितने का आया था, ये मेरे को 4,000 में कुछ इतने में मिला है। मतलब ये दिखने में लुकिंग में वो सब में काफी अच्छे शूज, अपने कहीं भी ट्रेवल करते हैं कुछ भी करते हैं तो इनको पहनने के लिए लोअर के नीचे या फिर कहीं भी कैसे भी, तो ये दिखने में शूज काफी अच्छा है। इस देखो दिखने में काफी लुक बहुत अच्छा है इस शूज का ना, तो आप लोग ये मिंत्रा से मंगवा सकते हो। ये कुछ मिंत्रा पे 6,200 का मिलेगा, लेकिन उस पे आपको 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा साथ में ना। और बाकी ये रनिंग शूज है, रनिंग शूज के लिए यूज करता हूँ, प्लेन शूज नहीं है ये, तो प्लेन के लिए नहीं यूज कर रहा मैं। उसके बाद है अपना चौथे नंबर पे नेट बर्नर शूज, ये वॉलीबॉल के लिए ही बना, मतलब ये स्पेशल शूज वॉलीबॉल के लिए है, नेट बर्नर प्लास्टिक FF। उससे पहले भी नेट बर्नर आया था, वो काफी जो सबसे पहले नेट बर्नर आया था ना, मेरा वो खुद का पर्सनल फेवरेट था पहले, बट अभी वो शूज मिलना ही बंद हो गया, तो अभी ये शूज मिल रहा है काफी मतलब आउटडोर में ज्यादा पहनोगे ना तो बहुत जल्दी फट जाता है, बाकी इंडोर में काफी अच्छा चलता है। इसकी ग्रिप अच्छी है, स्पीड वर्कआउट के लिए ये अच्छा है, काफी लाइट वेट है, एकदम लाइट वेट है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। और ये शूज मैंने 10,000 में लिया था, मलेशिया खेलने गया था तो मैंने मलेशिया से परचेज किया था। इंडिया में इसकी प्राइस और भी ज्यादा होगी काफी, क्योंकि इंडिया में ज्यादा महंगे शूज है मलेशिया के हिसाब से। और उसके बाद है पांचवे नंबर पे ये है करी 10, करी 10 शूज है। देखो इसका कुशन देखो कितना अच्छा है इस शूज का ना, एकदम लाइट वेट शूज है और ग्रिप बहुत अच्छी है इस शूज की ना, सबसे ग्रिप के मामले में सबसे बेस्ट शूज है ये। मतलब मेन तो ये बास्केटबॉल शूज है, बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए निकाला था, लेकिन वॉलीबॉल प्लेयर्स काफी यूज कर रहे हैं, वीएनएल में भी देखा था मैंने और भी काफी जगह देखा काफी प्लेयर यूज कर रहे हैं। ये भी मैंने मलेशिया से लिया था, ये कुछ इंडिया में इसका कुछ प्राइस है 17,000 जितना है, मेरे को ये वहां पे मिल गया था 10 या 11,000 रुपए में, इतने में कुछ मिल गया था मेरे को मलेशिया से। तो और भी बाकी इसमें अच्छे अच्छे कलर है काफी और भी, तो आप लोगों का अगर ये कहीं दिखे सही रेट में मिले 10 या 11 हजार में तो आप ले लें, मतलब ज्यादा थोड़ा है कॉस्टली है पर शूज बहुत अच्छा है। उसके बाद है S6 का ये स्काई लाइट FF, ये मैंने 2021 में खरीदा था एशियन चैंपियनशिप के लिए, हम जब जापान गए थे ना तभी शूज नया आया था उस टाइम पे खरीदा था। ये शूज मतलब थोड़ा सा लाइट वेट तो नहीं कहेंगे, मतलब ना ज्यादा हैवी है, मीडियम वेट है इसका, लेकिन कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है और प्लेन के लिए सबसे बेस्ट शूज है, काफी अच्छा शूज है। खुद का मैं काफी टाइम से अभी यूज कर ही रहा हूँ, अभी तो ये इसकी हालत थोड़ी खराब लग रही है मेरे को बाकी थोड़े टाइम और चल जाएगा 1-2 महीने और। ये शूज मैंने लिया था 12,000 रुपये में जापान से। उसके बाद है अभी और ये है नाइकी का फ्रीक शूज, ये शूज भी काफी प्लेइंग के लिए काफी अच्छे, मेन बात की ये है बास्केटबॉल शूज है वैसे तो, पर ये वॉलीबॉल में चल रहे हैं, मतलब काफी प्लेयर पहन रहे हैं यूज कर रहे हैं। इसका कुशन इसका भी अच्छा है काफी, ये देखो बीच में ये दे रखी है इन्होंने, जेल दे रखी है बीच में,
तो इसके भी बेनिफिट है अपने कि भाई ज्यादा लोड ना हो लैंडिंग के टाइम पे, नी पे कुछ से दिक्कत ना हो ज्यादा उसकी वजह से। देखो तो ये काफी अच्छा शूज है, और ये मैंने इंडिया से ही लिया था वैसे, और ये 12,000 रुपए का ये शूज। बाकी काफी अच्छा शूज है, अगर जिसको थोड़े महंगे शूज लेने हैं तो ये शूज ट्राई कर सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये ट्राई किए हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट है इन सब शूज का। और ये है अपने पास सबसे लास्ट शूज और सबसे महंगा शूज, ये जो तो आप लोगों ने देखा होगा अभी VNL में देखा होगा काफी प्लेयरों के पास, और आपने ओलंपिक के मैच उसमें देखा होगा, इसका नाम है नाइकी हाइपर सेट। और ये मतलब इंडिया में तो अवेलेबल है नहीं, ये बाहर से हमारा, ये मैंने नैदरलैंड से मंगवाया था कुछ, मेरे को ये पड़ा था 17,000 रुपये में डिलीवरी के साथ, 17,000 रुपये का पड़ा था। इस शूज की ग्रिप बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और ये एकदम लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट, मतलब एक बोलते हैं ना वॉलीबॉल शूज एकदम परफेक्ट है वॉलीबॉल के लिए, और ये स्पेशल बना भी वॉलीबॉल के लिए ये शूज। और इसमें एक चीज और है, अपने लेसेस ये सब बांध के ना एक शूज टाइट हो जाता है, लेकिन जब ये सेट करते हैं ना अपना पैर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता, एकदम जूते के साथ चिपक के रहता है पैर, और अंदर से भी काफी कंफर्टेबल है, इसके कुशन भी काफी अच्छा है, लैंडिंग के टाइम पे ज्यादा मतलब नी पे लोड भी नहीं आता, कुछ नहीं होता। और कलर कॉम्बिनेशन इसमें और दो तीन कलर कॉम्बिनेशन है, लेकिन मेरे को यही सबसे बेस्ट लगा कलर कॉम्बिनेशन इन सब में, तो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट ये है, और एक है ये, मेरे तो दो ये पर्सनल फेवरेट हैं, सबसे बेस्ट शूज तो अभी तक मेरे को लगता है कि मैंने अच्छे परचेज किए हैं, अच्छे हैं ये सबसे। और बाकी ये शूज है अभी तो फिलहाल मेरे पास, बाकी आगे लेके आएंगे कुछ नए तो वो डाल देंगे जैसा भी होगा, तो अभी ये वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे, बाकी डाल देंगे आप लोगों के लिए वीडियो में डाल देंगे कौन सा शूज कैसे परचेज किया और कहाँ से परचेज किया है, कितने रुपए का परचेज किया है, वो सारी चीजें आपको दिखा देंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को कौन सा शूज अच्छा लगा, तो मैंने आपको मतलब सबसे ज्यादा रुपए वाले भी दिखा दिए हैं और सबसे कम वाला भी दिखा दिया है, 3-4 हज़ार रुपए, 4-4 हज़ार रुपए के ये काफी अच्छे शूज है, मतलब मैं खुद फिलहाल यूज कर रहा हूँ मैं ये अभी ना, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये दिखाए हैं, तो आप ये शूज भी परचेज कर सकते हो। और काफी लोग है जो एक्सपेंसिव शूज पहनते, ज्यादा महंगे पहनते हैं, अच्छे रुपए हैं जिनके पास, तो भाई मैंने वो शूज भी दिखा दिए हैं, तो आप लोग वो भी परचेज कर सकते हो। बाकी कमेंट करके बताइए आप लोगों को पर्सनली आप लोगों का सबसे फेवरेट शूज कौन सा है।